मेरा नाम वीना सिन्हा है, मैं पटना से बिलोंग करती हूँ। उर्वशी कला मंदिर मेरा इंस्टीट्यूट है जो कि प्राचीन कला चंडीगढ़ से एफिलिएटेड है। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस चलते हैं। इसके अलावा मेरा एक वीना एजुकेशन चैनल है जिस पर भी मैं एजुकेशन के क्लासेस लेती हूँ। तो चलिए, और पार्ट टाइम मैं यहाँ पर वेस्टीज बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया है कुछ दिनों से, और अच्छा लगा मुझे यहाँ ज्वाइन करके। मुझे यहाँ ज्वाइन करवाया मेरे अपलाइन कुश कुमार जी ने, उनकी बातों से मैं बहुत प्रभावित हुई और ज्वाइन की। दीपक सर, संजय कटारिया सर, इनको भी मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ। वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और बिजनेस को समझने में, आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद कर रहे हैं। चलिए, आज मैं आपको वेस्टीज प्लान के बारे में यहाँ पर कुछ समझाऊंगी, कुछ डिस्कस करेंगे ताकि सब कोई उस प्लान के हिसाब से आगे वर्क करें तो अच्छा होगा। तो इसलिए मैंने इस प्रेजेंटेशन का नाम रखा है अ पाथ टू सक्सेस विद बिजनेस प्लान। तो चलिए चलते हैं। और इस बिजनेस को ज्वाइन करने का मेरा मोटो यही था कि वेल्थ थ्रू वेलनेस। इससे क्या हो, सबसे पहले हम लोग हेल्थ पे काम करें, अपना तो सुधार करें ही इस प्रोडक्ट को यूज करके, दूसरे लोगों को भी हम मदद करें कुछ फूड सप्लीमेंट, कुछ अच्छे चीज़ों को सजेस्ट करके ताकि उनका भी हेल्थ सही हो। मेरे विचार से भी और कंपनी भी यही समझती है कि हेल्थ ही क्या है, सबसे बड़ा वेल्थ है। अगर हेल्थ आपका सही है तभी आप सही मायने में वेल्दी हैं, और आपके पास धन आ भी जाता है तो आप उसका यूज़ कर सकेंगे, उसका बेनिफिट ले सकेंगे और जीवन को सुखमय बना सकेंगे। अगर हेल्थ ही नहीं है तो वेल्थ का कोई यूज़ नहीं रह जाएगा, वेल्थ पड़ा रह जाता है और इंसान उसको इस दुनिया से चला जाता है। अभी के समय में हर कोई इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं इसी मोटो को लेकर के वेस्टीज बिजनेस ज्वाइन की हूँ कि सबसे पहले मैं हेल्थ को ही वेल्थ बना करके और लोगों को वेल्दी बना सकूँ, लोगों के लिए वर्क कर सकूँ। हमारा तो अपना खुद का बिजनेस है ही, लोगों को जो जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास कोई प्रॉब्लम है, उनको इस बिजनेस के सहारे जोड़ के, उनको समझा के, उनको एक रास्ता दिखा के सक्सेस के तरफ ले जाऊं। मेरा मोटो यही है और इसी को मेन मान करके हम इस बिजनेस में वर्क कर रहे हैं और चाहते हैं कि सब लोग हमारे साथ आए, टीम बनाए और मिलके वर्क करें ताकि एक का सबका इसमें विकास हो। कंपनी ने हमारे इस मकसद को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा प्लान रखा हुआ है जिसको कहते हैं आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान। ये प्लान इतना अच्छा है कि अगर कोई इस पे काम करे तो उसे एक जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है। आप अभी किसी अगर दूसरे कंपनी में काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो आपको ये पता नहीं होता कि कल को ये जॉब रहेगा नहीं रहेगा। पूरे दिन मेहनत करने के बावजूद कब आपका प्रमोशन होगा, कब आपका क्या होगा, किस दिन कंपनी के बॉस आपको बोल देंगे आज कंपनी छोड़ दीजिए, या कब आपको प्रमोट करेंगे, कोई गारंटी नहीं होती। बट इस प्लान में अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उसको एक रास्ता मिला हुआ है। वो अगर साल दो साल कठिन परिश्रम करता है और लगे रहता है तो एक दिन उसे सफल होना ही है। ये मुझे इस प्लान का, इस बिजनेस जो वेस्टीज बिजनेस है, सबसे अच्छी बात यही लगती है कि इसमें रास्ता आपको दिखाया गया है, आपको उस पर चलना है। मुश्किलें तो रास्ते में आती ही हैं और आएंगी ही, कहाँ नहीं आती। पढ़ाई करो तो भी आती है, जॉब करो तो भी आती है, ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ तो भी आती है। जो उस मुश्किलों का सामना करके उस रास्ते पे चलता है वही सफल होता है। तो सबसे बड़ा यहाँ फायदा है कि आपको रास्ता दिख रहा है कि आपको उस पे चलना है। कठिनाइयाँ आएंगी, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी जो नए हैं, जो अभी मुझे सुन रहे हैं, कठिनाइयों का सामना कीजिए और जुटे रहिए, एक न एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। क्योंकि ये प्लान ही इतना अच्छा है और यहाँ के लीडर, इस कंपनी के लीडर्स, टीम लीडर, जो MD हैं, उन लोगों का विजन ही इतना अच्छा है कि आपको एक दिन सफल बना के ही रहे। चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्यों वेस्टेज हमें करना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, हम लोग बचपन से बड़े ही होते हैं इस मेंटालिटी के साथ कि हमें एक जॉब करना है। पढ़ाई करते हैं सालों साल कि क्या मुझे जॉब करना है, और जॉब करने से क्या उतना कमाते हैं जो महीना भर होता है, खर्च होता है, ख़त्म हो जाता है। और महंगाई देखिए किस हिसाब से बढ़ रही है। इसमें मेरा जो चार्ट यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ, आप इसको समझिए। पहले क्या था, जो मॉनेटरी वैल्यू 5 रुपये का था, वो आज बढ़ते 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 कहाँ आ गया है, 2000 में वो 50,000 और अब 2 लाख हो जाएगा धीरे धीरे। तो क्या अब हमको
सैलरी उस हिसाब से बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है, और महंगाई बढ़ते जा रही है। तो अभी जरूरत नहीं है कि आप जॉब के साथ कुछ ऐसा करें जिससे कि आपको ज्यादा इनकम हो, ताकि आप वो जीवन जी सकें जिसकी कि आप कल्पना करते हैं, सपने देखते हैं। आप कुछ न कुछ तो, हर किसी का एक ख्वाब होता है जो कि एक काश बन के रह जाता है। काश मेरे पास ये होता तो हम उसके लिए ये कर सकते, काश ये होता तो अपने पेरेंट्स के लिए ये कर सकते। कभी कोई बीमार पड़ता है और उसके पास पैसा नहीं है तो उस व्यक्ति की हालत क्या होती है। तो ये जो बिजनेस है आप इसको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपको क्या करता है, आज़ादी देता है, आर्थिक आज़ादी, आपके स्वास्थ्य की आज़ादी। आप स्वस्थ रहेंगे अगर इसके फूड सप्लीमेंट को यूज़ करेंगे, उसके बाद आपको आज़ादी देता है, टाइम फ्रीडम। जॉब कर रहे हैं ठीक है, यहाँ बंधन है, मगर इस बिजनेस में आपको कोई बंधन नहीं है। आप कभी भी कहीं से भी काम कर सकते हैं, और 2-3-4 साल 5 साल अगर आपका बिजनेस ग्रो कर गया उसके बाद आप अपने जीवन को इंजॉय कर सकते हैं। आपको दिन भर कोई काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी टीम को मॉनिटर करना है। तो सोचिए, जहाँ कोई 30 साल काम करके भी इस आज़ादी को नहीं पा सकता, इस बिजनेस में आकर के वो अगर 3-4 साल मेहनत कर लेता है तो वो अपनी इस आज़ादी को पा सकता है। तो क्या ये खूबसूरत बिजनेस नहीं है? क्या इस आज़ादी को पाने के लिए हमें शुरू में 2-3 साल कठिन परिश्रम नहीं करने चाहिए? खुद से पूछिए ये सवाल कि क्या आप भविष्य की सुख शांति और चैन की जिंदगी को पाने के लिए कुछ सालों का मेहनत नहीं कर सकते? और जबकि वो रास्ता तय है, अगर आप उस रास्ते को, कठिन रास्ते को तय कर लेते हैं तो आप के सारे सपने पूरे हो सकते हैं, आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। और जो भी, जितने भी लीडर वेस्ट चीज में सफल हुए हैं, सभी ने कहीं शुरुआती दौर में कठिन परिश्रम किया है। उनके जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए और उस रास्ते पे चलना चाहिए। तो जिस हिसाब से समझिए कि बढ़ रहा है इनकम वेस्टीज में, आपको जॉब में नहीं मिल सकता। जॉब में फिक्स होता है, आप प्रमोशन मिलेगा तो भी नहीं। तो इस बिजनेस को जरूर करें, और सबसे बड़ी बात है वेस्टीज ही क्यों करें, यहाँ एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी है। आपके आपके ही जीवन तक नहीं, आपके बाद भी आपके पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रांसफर होता है, तो एक तरह से सिक्योरिटी आपको देता है। और प्लान तो काफ़ी अच्छे हैं, जिसको कि मैं अभी यहाँ पर डिस्कस करूँगी। जो कोई अच्छे से समझ गया वो ज़रूर करेगा इसको, और उसमें कठिनाइयों को रास्ते की धूल समझ करके उसको उड़ा देगा और आगे सफल होके दिखाएगा, अगर समझ गए तो। देखिए बिजनेस मॉडल क्या है, अब कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि इसमें करना क्या है, ठीक है। तो बिजनेस मॉडल क्या होता है यहाँ पर, चूंकि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट इसके इतने अच्छे हैं कि इसको यूज़ ज़रूर करना चाहिए। यूज़ करते हैं तो आप क्या होते हैं, स्मार्ट कस्टमर बनते हैं। तो स्मार्ट कस्टमर वो होता है जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को यूज़ करे, और उसको कैसे 50% करे, उसको फ्री करे, वो रास्ता ढूंढे अच्छी प्रोडक्ट को कम दामों में कैसे ले और दूसरों को भी उस रास्ते पर ले जाए। तो मेरे ख्याल से ये बिजनेस मॉडल जो है वो है, फर्स्ट बी अ स्मार्ट कस्टमर देन लीड अदर्स टू फॉलो यू। अपने पहले खुद को समझना है कि क्यों हमें इस बिजनेस में आना है, क्यों उस बिजनेस के, इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करना है, उस कंपनी के प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट हैं, फिर इन सब बातों को दूसरों को समझाना है। कि पहले तो उसे कस्टमर बनना है, अपने हेल्थ पे वर्क करना है, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, और जब तक वो प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेगा, 2 महीना 3 महीना 4 महीना, वो उसके गुण को समझ ही नहीं सकेगा। सिर्फ बताने से नहीं होता है, यहाँ कोई ऐसा नहीं, आप देखते हैं मार्केट में जितने सारे प्रोडक्ट हैं, कोई भी सेलिब्रिटी आके उसका प्रचार कर देता है, चाहे वो फेक ही हो, लोग उसको ले लेते हैं। यहाँ पे तो रियल प्रचार होता है, जो यूज़ करते हैं, जो उसके बेनिफिट को खुद ले लेते हैं, वही दूसरों को उसके बारे में बताते हैं। वो चीज़ कितना रियल और कितनी अच्छी चीज़ है कि आप उनसे इसके बारे में रिकमेंडेशन लेते हैं, उनसे इसके बारे में जानते हैं, जो खुद इस चीज़ के कस्टमर हैं, जो खुद इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो ये ही मेन बेसिक चीज़ है, अगर जो समझ गए वो इस बिजनेस में बहुत अच्छा करेंगे और आगे दूसरों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देंगे और लाइफ चेंज करेंगे, उनका जीवन बदल सकता है हर तरफ से, हेल्थ वेल्थ एवरीथिंग, सारे सपने पूरे हो सकते हैं। अब देखिए अगर आप इस कंपनी में ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले आप कंज्यूमर बनते हैं,
प्रोडक्ट को यूज करते हैं, अगर आप सिर्फ कंज्यूमर भी बनते हैं तो देखिए आपको कितने सारे फायदे मिलते हैं। आपको प्रोडक्ट जो है वो MRP से 10-20% कम मिलता है, इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट और काफ़ी कम दाम पे आपको उपलब्ध है। 10% के फ्री प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, अगर आप 2000 का प्रोडक्ट करें तो आपको 200 रुपये का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, 3000 कर दें तो फ्री मिलता है। इसके अलावा 5-11% कैश बैक मिलता है जो एज अ बोनस आपको आपके बैंक में क्रिएट होता है हर महीने। सबसे बड़ी देखिए यहाँ इस कंपनी की विशेषता है कि आपको 10 तारीख को आपका कैश बैक पे आउट जो भी है वो बैंक में आ जाता है, चाहे वो 50 हो चाहे 50 लाख हो। इस तरह का फैसिलिटी आपको जॉब में भी नहीं मिलता, इस महीने का पे अगले महीने में, कभी आगे कभी पीछे, कभी 6 महीने में गवर्नमेंट जॉब भी हो तो भी होता है। मगर मैंने यहाँ पर ये चीज़ देखा, ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी मुझे कि एक फिक्स डेट है, आगे पीछे कभी रेयर एक आध दिन होता नहीं तो 10 तारीख को आपको जो भी आपका हक है, जो भी आपका पैसा है वो आपको मिल जाता है। तो ये काफ़ी मैंने सराहनीय ये चीज़ है, आप और हर कोई इससे एग्री करेंगे क्योंकि हर किसी को अपनी मेहनत का कुछ रिटर्निंग चाहिए होता है, कंपनसेशन चाहिए होता है, और उसको अगर सही समय पर मिल जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती। अब मनी बैक गारंटी है, आपके पास जितने भी प्रोडक्ट हैं इस कंपनी के, समझिए 400 से के आसपास प्रोडक्ट हैं जिस पर कंपनी ने 100% मनी बैक गारंटी दिया है। किस कंपनी ने ऐसा दे रखा है? अगर आप महीने भर इस प्रोडक्ट को यूज़ करते, 30% प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं तब भी आपको पसंद नहीं आता तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, 18 साल पुरानी कंपनी है और 10 प्रोडक्ट से शुरू हुई थी और वो 10 प्रोडक्ट आज भी मार्केट में है, इसके हर साल नए नए प्रोडक्ट ऐड होने के बावजूद। अगर ये मनी बैक गारंटी का फ़ायदा लोग उठा करके प्रोडक्ट खराब होती वापस करने लगते तो क्या ये कंपनी ग्रो करती? एक समझदार व्यक्ति इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकता है कि कोई भी कंज्यूमर, कोई भी कस्टमर खराब प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेगा, अगर वो खरीद भी लिया है तो वापस ज़रूर कर देगा अगर 100% मनी बैक गारंटी है। तो इस चीज़ को आप विश्वास कर सकते हैं कि इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इससे बड़ा और क्या प्रूफ हो सकता, ठीक है। और कंपनी हर साल ग्रो ही कर रही है तो और कोई सबूत की ज़रूरत ही नहीं है, आँख मूंद के इस कंपनी के सारे प्रोडक्ट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए इसके में क्या होता है, मंथ आपका हर 4 महीने के बाद आपको कंसिस्टेंसी ऑफर है, आपको फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। तो अगर आप कंसिस्टेंसी ऑफर के हिसाब से इसमें प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे कि अगर आप 60 PV का प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको 1250 रुपया 5वें महीने में फ्री मिलता है प्रोडक्ट, एक ही महीने में एक साथ। अगर आप 100 PV का प्रोडक्ट लेते हैं 4 महीने तक, तो 4 महीने तक कंपनी इसे कहती है कि अगर आप 4 महीने प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तभी तो उसके सारे बेनिफिट्स को समझ पाएंगे, उस पर विश्वास कर पाएंगे, उसके हर पहलू को समझ पाएंगे। और जब आप ऐसा कर देते हैं, कंपनी के लॉयल कस्टमर बन जाते हैं, तो कंपनी आपको उसका 2500 का आपको फ्री गिफ्ट देती है। तो ये PV क्या होता है ये तो हर कोई जानता है, मगर जो न्यू है बता दें, 30-35 रुपये के आसपास का सामान अगर आप लेते हैं तो उसका 1 PV होता है। हर प्रोडक्ट का अलग अलग है, जो कि आपको ऐप में जाएंगे देखेंगे प्रोडक्ट के पास MRP, DP और PV लिखा रहता है, तो आप उस हिसाब से अपना परचेस कर सकते हैं। ID ग्रीन करने के लिए आपको 30 PV चाहिए और बाकी आप आगे 60 और 100 PV से अपना कर सकते हैं। अब देखिए लकी ड्रॉ होता है, कंपनी हर समय आपको कुछ ना कुछ लकी ड्रॉ रखती है, कंपनी के तरफ से भी होता है, ग्रुप के तरफ से भी होता है, जिसमें कि आपको कभी मोबाइल फ़ोन जीतने का, कभी कैश अमाउंट जीतने का मौका मिलते ही रहता है। तो अगर आप परचेस कर लेते हैं 2 से 12 तारीख के बीच में वेस्टीज के प्रोडक्ट, तो आप उस ऑफर में, उस लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। तो आपको कितना बड़ा बेनिफिट वहाँ से मिल सकता है अगर आप लकी विनर बन जाते हैं। अब देखते हैं कि हमारी इस कंपनी में अगर हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, हमने जाना कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अब इसने प्लान किया है, मैंने बताया कि पाथ टू सक्सेस, तो सक्सेस क्या है? यहाँ पे आप 10 तरह से अर्निंग ले सकते हैं जो कि फिक्स्ड है, आपको सिर्फ उस रास्ते पे चलना है, वहाँ पहुँचेंगे आपको वो सब इनकम मिलने लगेगी। कैसे है 10 वे क्या है, जो कि ये न्यू प्लान है, जून में इंट्रोड्यूस किया गया, थोड़ा सा उसमें चेंजेस आया, पहले 9 वेज था अब 10 वेज हुआ है। सबसे पहला कि आपको MRP पर 10-20% आपको बेनिफिट मिलता है, मैंने पहले भी बताया, आपको डीलर प्राइस पर प्रोडक्ट मिलते हैं, 5-11% परफॉर्मेंस बोनस मिल जाता है। उसके बाद आप जैसे ही ब्रांच डायरेक्टर बनते हैं
4% आपको ब्रॉन्ज बिल्डिंग बोनस मिलता है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस आपको 14% मिलता है, 2% आपको टीम बिल्डिंग बोनस मिलता है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से टीम बनाया, टीम को सपोर्ट किया, उनको भी आगे बढ़ने में मदद किया, तो आपका भी बिजनेस ग्रो करेगा। दूसरों को हेल्प करेंगे तो क्या आपका बिजनेस ग्रो करेगा, तो आपको कंपनी टीम बिल्डिंग बोनस देती है 2%। उसके बाद ट्रैवल फंड है, ट्रैवल फंड विदेश यात्रा करने का साल में 2 बार आपको मौका मिलता है। कहाँ मिलता है ऐसा, लेकिन आपको बस उस लेवल को अचीव करना है, अचीव करते ही आप उस हक ने हकदार हो जाते हैं ट्रैवल फंड लेने के। फिर आपको LOB मिलता है, LOB क्या होता है आगे मैं डिस्कस करूंगी। एक लाइन आपका है उसमें अगर 5600 PV अगर हो जाता है 5625 PV तो आपको LOB मिलता है, जो 16% है। ये कंपनी का सबसे बड़ा आपको समझिए कि रिवॉर्ड है, पैसा सबसे ज़्यादा इसमें मिलता है। यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है, बट सामने दिखता है कि अगर आप वहाँ तक चले जाएंगे तो बहुत बड़ी अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद कंपनी आपको 5% कार फंड देती है, वो भी स्लैब फिक्स है, आगे मैं डिस्कस करूंगी। हाउस फंड देती है, आप अपने सपनों का घर ले लीजिए, कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, आप बिजनेस करते रहिए और कंपनी आपके हाउस का सारा फंड अफोर्ड करेगी, इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। फिर इलाइट क्लब बोनस है जो कि अपर लेवल के लिए 2% है। चलिए आगे इसको हम डिस्कस करते हैं अच्छे से। अब देखिए, अब तो ये सबको ही जानता है कि 10-20% जो आपका MRP से कमी है, तो क्या अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो 20 रुपये आपको कम, तो ये लॉस आपको क्या हुआ, सेविंग आपका हो गया, आपको उतने सस्ते में प्रोडक्ट मिल गया, MRP से कम में आपको डीलर प्राइस पर प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आप सिर्फ कस्टमर हैं तो भी आपको फायदा हो रहा है, आप उतने कम दाम में अच्छे प्रोडक्ट को ले रहे हैं। अब ये बोनस जो होता है 5-11%, इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। जैसे ही कोई वेस्टिज को ज्वाइन करता है वो एलिजिबल हो जाता है 5% बोनस के लिए, इसको आप कैशबैक भी बोल सकते हैं। आप अगर आपके नीचे कोई नेटवर्क नहीं भी है, आप खुद भी अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको जितना भी आपका PV होता है उसका 5% आपको मिलता है, तो उसका 5% और उसको हम लोग 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो मनी आता है वो आपको कैशबैक के रूप में आपके बैंक अकाउंट में चला जाता है। अब ये एक स्लैब है। अब 5% से 8% पे कब हम आएंगे, जैसे ही हमारा PV 600 हो जाएगा हम 8% पे आएंगे। अगर आपके नीचे नहीं भी कोई, आप हर महीने 100-200 PV का प्रोडक्ट यहाँ से ले रहे हैं, तो आप खुद आपका एक जोड़ते जोड़ते, क्योंकि ये क्या है, एक कम्युलेटिव प्लान है, आपका जिस दिन 600 PV होगा आप 8% पे आ जाते हैं। मैं ये नहीं कर रही हूँ, आपका बिजनेस तो ग्रो करेगा, आपका नेटवर्क तो ग्रो करेगा ही, लेकिन अगर आप सिर्फ कस्टमर भी हैं तो आप 8% पे आ गए, क्योंकि आपका आपका बिजनेस खुद जुड़ रहा है। और अगर आपके नीचे लोग ऐड हो गए और जल्दी आपका बिजनेस ग्रो किया तो और जल्दी आप 8% पे आएंगे। फिर 10% पे कब आ जाएंगे, जैसे ही आपका 2400 PV बिजनेस क्रॉस करता है आप 10% पे आ जाते हैं। 11% पे आप 5500 PV होने पे आ जाते हैं, और 11% पे आप आते ही ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन सकते हैं। तो ये हो गया सीधा रास्ता, अब इसमें आप जल्दी से भी आगे बढ़ सकते हैं। कंपनी ने आपको ये भी मौका दिया है, अगर कोई जल्दी से आगे बढ़ना चाहता है, कड़ी मेहनत करना चाहता है, तो उनको क्यों रोका जाए। अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करने के बाद पहले महीने या दूसरे महीने में, जब तक कि 600 PV नहीं होती है, 282 PV एक ही मंथ में कर लेता है, जैसे ज्वाइन किया उसी मंथ में खुद से या अपने साथ लोगों को ऐड करके, ओनली 282 PV कंपनी उसे फास्ट स्टार्ट 8% बना देती है। मतलब कि अब सीधे उसका प्रमोशन हो गया 8% पे, उसे अब 600 PV होने तक इंतज़ार नहीं करना है। तो कंपनी क्या कर रही है, आपको रिवॉर्ड दे रही है, अगर आप बहुत हिम्मत वाले, बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे सपने लेके यहाँ पे आए हैं, जुनून के साथ काम कर रहे हैं, तो आप सिर्फ 282 PV कीजिए, एक महीने में आपको 8% पर पहुँचा दिया जाता है। अभी यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता, आपके लिए एक और ऑफर है फास्ट काम करने वालों के लिए, कि अगर आप 4500 PV कर लेते हैं 5500 PV होने से पहले किसी भी मंथ में, एक ही मंथ में आपको 4500 PV का बिजनेस करना है, 4500, टीम का साइज कुछ भी हो, आपके पास 20 हो 40 हो, आपका सिर्फ PV काउंट होता है यहाँ तक, सिर्फ PV अगर 4500 आप कर लिए, आप फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं सीधे, और आप 11% पे आ जाते हैं। इसके बाद आपको आगे क्या बेनिफिट मिलता है मैं बताती हूँ, जो फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं। अब जैसे आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए तो आपको 4% डायरेक्टर बोनस मिलने लगता है, वो कंपनी के टर्नओवर से मिलता है, आपके बिजनेस से अलग हटके।
या फिर आपका जो अपना पीवी है उसके हिसाब से 11% से काउंटिंग होगा, 11% से मल्टीप्लाई करके फिर 18 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो अब प्लस इसमें क्या, एक ही शर्त है कि आपको हर महीने 2001 पीवी करना होता है क्वालिफाइड ब्रांच डायरेक्टर बनने के लिए हर मंथ। तो जहां आपको 4500 पीवी से आप ब्रांच डायरेक्टर बनते हैं उसका आधा भी अगर आप कर लेते हैं तो आप हो जाते हैं, जबकि आप तो आगे ही बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो कितना अच्छा ये प्लान है। अब इसके बाद यहीं पर नहीं है, अगर आप 2001 पीवी से भी आगे बढ़ के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और 2600 पीवी कर लेते हैं, सिर्फ आपका अकेले का नहीं, आपका आपके ग्रुप का सबका मिला करके 2600 पीवी सिर्फ होना है, आप एक और रिवॉर्ड के हकदार हो जाते हैं जो कि टीम बिल्डिंग बोनस है 2%। आपके 2600 पीवी आप कब कर पाएंगे, जब आपकी टीम भी ग्रो करेगी ना, आपके टीम में फास्ट स्टार्ट निकलेंगे, सुपर फास्ट स्टार्ट निकलेंगे, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर निकलेंगे, तभी तो आपका ये कम्युनिटी पीवी 2600 से ऊपर हो जाएगा। तो आपने अपनी टीम को हेल्प किया, लीडर ही उसको अपनी टीम को आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। तो आप इसके लिए कंपनी आपको रिवॉर्ड देती है 2% अलग से। सिल्वर डायरेक्टर अगर आप हैं, सिल्वर डायरेक्टर हैं तो उनको 2100 साइड से वॉल्यूम करना होता है, तो उनको भी ये 2% मिलता है। तो काफ़ी अच्छे प्लान है। इसके बाद बिजनेस बिल्डिंग बोनस है जो 14% है, वो आपको डिफरेंट लेग्स के अनुसार मिलते हैं। सिल्वर डायरेक्टर को 3 लेग से, गोल्ड डायरेक्टर को 4, स्टार डायरेक्टर को 5, और इस तरह से करके आगे बढ़ते जाता है। तो आपके लिए यहाँ पर इतने अच्छे प्लान सेट किए हुए हैं। शुरू में तो आपको 30 पीवी से आईडी ग्रीन करना होता है, मगर जब आप सिल्वर डायरेक्टर बन जाते हैं तो आपको मिनिमम जो बिजनेस करना है वो 40 पीवी का करना कंपलसरी होता है, जो कि बहुत ही मामूली सी बात है। वो करते रहिए, आपके नीचे का टीम वर्क करेगा, आप उनको गाइड करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, और आप अपना जो भी बेनिफिट है कंपनी से लेते रहिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही आप डायरेक्टर बनते हैं इसका मतलब है कि आप लीडर बन जाते हैं, परफेक्ट लीडर। लीडर बनते ही आपको लीडरशिप बोनस और सब कुछ मिलने लगता है। न्यू ट्रैवल फंड जो अब चेंज हुआ है जून से, पहले सिल्वर डायरेक्टर को भी मिलता था, अब गोल्ड डायरेक्टर एंड उनके अबव को मिलता है। आप कब बन जाते हैं गोल्ड डायरेक्टर, ये मैं बताती हूँ अभी आपको। चलिए देखिए वेस्टीज में क्या है, सबसे पहले आप ये जानिए, आप अगर आप 45 पीवी से या फिर 5500 पीवी से करके और उस मंथ 2001 पीवी कर लिया तो आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते। ठीक यही चीज़ आपने डुप्लीकेट करवा दिया अपने नीचे, आपके नीचे अगर एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया और आप साइड से 1800 पीवी 2100 पीवी कर लेते हैं तो क्या होता है आपका, आप स्टार डायरेक्टर बन जाते हैं। स्टार डायरेक्टर बनने के बाद सिल्वर डायरेक्टर बन जाते हैं। आपके नीचे एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर तो आप सिल्वर डायरेक्टर, दो ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो जाएंगे तो क्या बनेंगे आप, गोल्ड डायरेक्टर। उसके बाद आपके नीचे तीन अगर ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो गए, ये 2001 पीवी मैंने यहाँ पर बना हुआ है चार्ट वो वही है, उनको क्या करना होता है, 2001 पीवी एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर करेंगे तभी तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करेंगे, दूसरे 2001 पीवी से करेंगे और तीसरे, तो आप बन जाएंगे यहाँ पर स्टार डायरेक्टर। और आपको अपना सिर्फ 1001 पीवी यहाँ पे करना होता है साइड से। ठीक है, तो आप कार फंड आपको मिलने लग जाएगा अगर इस चीज को आप करते हैं। और एक बार कोई भी लेवल क्वालिफाई करने के बाद इसमें डिमोशन नहीं होता, आप स्टार डायरेक्टर क्वालिफाई कर गए, सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई कर गए, गोल्ड डायरेक्टर क्वालिफाई कर गए तो आप वही रहेंगे। तो ये चीज अच्छे समझ में आ गया होगा कि आपके नीचे अगर एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई होते तो आप सिल्वर डायरेक्टर बन जाते, दो होते हैं तो आप गोल्ड बनते हैं, थ्री होते हैं तो आप स्टार बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें आपका जो इस प्लान में ये टेबल आपको क्या शो कर रहा है कि किस तरह से आप LOB ले सकते हैं। LOB मैंने बताया था, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, ये इस कंपनी का सबसे बड़ा आपको अचीवमेंट होता है, सबसे बड़ी मनी होती है, जिसके लिए जो कि शुरू होता है आपका सिल्वर डायरेक्टर से। अब इसमें कंपनी ने इस बार जून से चेंज किया है, पहले क्या था अपना जो 5625 रुपये का जो आपको पूरने के बाद ऊपर देना होता था, अब वो LOB आपको ऊपर शेयर नहीं करना होता, वो आपके तक ही रहती है, जिससे कि आपका पे आउट बहुत बढ़ जाता है। और ये 3 लाख तक जैसे कि आप देख रहे हैं चार्ट में, इस हिसाब से आपको मिलने लगता है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और कंपनी ने आपके पे आउट को बढ़ाने के लिए, आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए इस जून मंथ से ये सब चेंज किया है। अब देखिए वेस्टीज हाउस फंड कब मिलता है, अभी जैसे मैंने शुरू से बताया, एक आपके नीचे
ब्रॉन्ज एक्टर बने, दो बने, तीन बने, उस तरह से अगर इसमें छः बन जाते हैं, छः आपके नीचे से ब्रॉन्ज डायरेक्टर होने चाहिए, आपको कुछ नहीं करना, आप सीधे क्राउन डायरेक्टर बन जाते हैं। इसके बाद आपको साइड से कुछ भी मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, सिर्फ आपके नीचे छः ब्रॉन्ज डायरेक्टर होने चाहिए, वो अपना क्वालिफाइंग करते जाएं और आप क्राउन डायरेक्टर बन जाएंगे। अब कंपनी आपको देगी हाउस फंड, आप अपने सपनों का घर यहाँ से ले सकते हैं, जो कि 3% है कंपनी के टर्नओवर का, जो काफ़ी अच्छा अमाउंट है। तो हाउस फंड कंपनी के लेने के लिए आपको सिर्फ अपने अंदर 6 ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाने होते हैं बस। तो ये कोई कठिन काम नहीं है, बट हाँ मुश्किल है। आपको इसके लिए अपने टीम को लीड करना होता है, समझाना होता है, उनको मोटिवेट करना होता है, ताकि वो अच्छे से वर्क करें। तो लीडर बनना है आपको। शुरू में आप क्या करते हैं, कस्टमर बनते हैं, कंज्यूमर बनते हैं, धीरे धीरे आप बिजनेस को समझते हैं, प्रोडक्ट को समझते हैं, फिर आपका लेवल बढ़ते जाता है, फिर लोगों का आप टीम बनाते हैं, उस टीम को गाइड करते हैं, उनको भी अच्छा कस्टमर, अच्छा कंज्यूमर, फिर उनको भी अच्छा ट्रेनर बनाते हैं, और यही डुप्लीकेट होते होते एक दिन आप क्राउन डायरेक्टर बन जाते हैं। क्राउन डायरेक्टर इस कंपनी का बहुत ही सम्मानित, बहुत ही अच्छा पद है। वहाँ बनने के बाद आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, आपके पास कार फंड, आपके पास ट्रैवल फंड, आपके पास हाउस फंड, सब कुछ हो जाता है। अब इसके बाद एक एलाइट क्लब बोनस है, जो कि बहुत हायर लेवल के लोगों को मिलता है, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, डबल क्राउन डायरेक्टर और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, जो कि कंपनी के एलाइट क्लब बोनस के रूप में उनको मिलता है। अब इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि हमारी जो कंपनी है वो दो तरह से वर्क करती है, एक वेस्टिज ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, एक वेस्टिज बेस्ट डील ऐप। तो ऐप से भी आप परचेस कर सकते हैं और इसके स्टोर्स भी है। स्टोर का भी आपको जितना भी आप उसका सर्च करना चाहें, कहाँ स्टोर है, उसका एड्रेस, सब आपको उस ऐप में मिलता है। सारा कुछ डिजिटल हो गया है। ऐप के अंदर आपको सारी जानकारी है, आपके पीवी कितने हैं, ग्रुप पीवी कितना है, आपके नीचे कौन कब परचेस कर रहा है, कितना आपका नेटवर्क है। तो उस ऐप को अच्छे से समझना है सिर्फ। और बेस्ट डील भी आपके लिए इस मंथ से एक अच्छा सा ऑफर लाया है। अगर आप अपने नीचे 3 लोगों को 2500 और उसके ऊपर का परचेस करवा देते हैं तो आपको 750 रुपये का वाउचर मिलता है। अगर आप अपने नीचे डायरेक्ट ऑनलाइन में 6 लोगों को 2500 से ऊपर का परचेस करवाते हैं तो आपको 1750 रुपये का वाउचर मिलता है। तो बेस्ट डील में क्या है, कंपनी ने दूसरी रिनोन कंपनी, जो अच्छे से कंपनी है, उनसे टाई अप करके प्रोडक्ट को रखती है। उस प्रोडक्ट को आप खरीद सकते हैं, जो कि आप जनरल यूज़ के प्रोडक्ट है, जिसको कि आप घर में यूज़ करते हैं, चाय है, चावल है, तेल है, आपका क्या कहें, मद है, अगरबत्ती है, जैम है, बहुत सारी चीज़, बिस्किट्स है, स्नैक्स है, क्या नहीं है उस पर। और उसको आप कहीं और से लेते हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, यहाँ से जाके लेते हैं तो आपको पहले तो अगर आप 2000 का प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको उतने का 10% का प्रोडक्ट फ्री मिलता है या फिर वाउचर मिलता है। अगर आप 2000 का प्रोडक्ट 3 महीने लेते हैं तो आपको 1000 का प्रोडक्ट उसी महीने 4th महीने फ्री मिलता है, कभी भी आप ले सकते हैं। सोचिए आपका प्रोडक्ट कितना सस्ता हो गया, 10, 20, 30 आपका आधा दाम पे प्रोडक्ट पड़ जाता है। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करके सोचिए कि अगर आप कंसिस्टेंसी ऑफर से इस कंपनी के दोनों ऐप से परचेस अगर करते हैं तो आप बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं और सस्ते प्रोडक्ट ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट कम दामों में ले सकते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, बट कंपनी ने आपको रास्ता दिया है कि उस क्वालिटी के प्रोडक्ट को आप 50% पहले कर लीजिए, फिर जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आपको तो प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा। तो बिजनेस में पहले तो आप अपने प्रोडक्ट को फ्री करने के लिए मेहनत कीजिए, उसके बाद आपको इनकम आना शुरू हो जाएगा और फिर आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन सक्सेसफुल बन जाएंगे। तो ये मैंने बताया था अभी आपको बेस्ट डील का, और वेस्टेज का तो आपको मालूम ही है, मैंने शुरू में ही बताया 60 PV और 100 PV का कंसिस्टेंसी चलता है। अब यहाँ पर हमारी जो टीम है अचीवर्स ग्रुप, वो भी समय समय पर कुछ ऑफर निकालती है, इसको भी मैं शेयर कर दूँ। तो 1 अगर एयर प्योरीफायर आप सेल करते हैं तो कंपनी के अलावा आपको 1000 रुपीज़ का कैश देती है कंपनी, हमारी ग्रुप। अगर वाटर प्योरीफायर देते हैं तो 1500 का कैश मिलता है। 3 ज्वाइनिंग करवाते हैं 30 PV से तो आपको मिलता है 250, 6 ज्वाइनिंग 500 रुपीज़, 3 ज्वाइनिंग 60 PV 500 रुपीज़ अगर करवाते हैं तो 60 PV से, 6 ज्वाइनिंग करवाते हैं तो 1000 रुपीज़, 3 ज्वाइनिंग करवाते हैं 100 PV तो 750,
और अगर 6 ज्वाइनिंग करवाते हैं 100 पीपी से तो 1500। फास्ट स्टार्ट मैंने भी बताया, फास्ट स्टार्ट अगर आपके नीचे आप खुद भी करते हैं और नीचे के लोगों को भी करवा देते हैं दो, तो आपको तो कंपनी से 750 का वाउचर तो मिलता ही है, साथ में इस ग्रुप से भी आपको 750 मिलेगा। प्लस अगर आप 3 फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर करवा देते हैं तो आपको क्या मिलता है, 1000 रुपीज़ मिलता है। तो काफ़ी यहाँ पर स्कीम है, तो कंपनी से जुड़िए, सारे स्कीम को समझिए और उसका बेनिफिट उठाइए। अब हमारी कंपनी विस्टीज जो है वो भी लाई है यहाँ पे बहुत सारा टीम बिल्डिंग ऑफर। अगर आप अपने नीचे डायरेक्ट डाउनलाइन में 30 पीवी से किसी का आईडी ग्रीन करवाते हैं और उसके बाद उसको 100 पीवी का परचेस करवाते हैं, 3 को करवाते हैं तो आपको बेनिफिट है, 4 को करवाते हैं तो भी आपको 1500 का मिलेगा, 5 को करवाते हैं तो 1800 का मिलेगा, 6 को करवाते हैं तो आपको 2500 का मिलेगा। तो ये एक सिस्टम बना हुआ है, एक वे बना हुआ है, एक पाथ बना हुआ है, आपको सिर्फ उस पर चलना है। आप कितना मेहनत कर पाते हैं, आप कितनी लगन से यहाँ काम करते हैं, आपके टीम आपका कितना साथ देती है, अपलाइन डाउनलाइन कितने एक दूसरे को हेल्प करते हैं, उसके अनुसार आपका बिजनेस ग्रो करता है। और इसमें कंपनी में एक बहुत अच्छी बात ये है कि आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ऊपर है जो अबव लेवल पे है वही तरक्की करेंगे, आपके नीचे कोई भी ज्वाइन किया अगर वो ज़्यादा मेहनत करता है, वो ज़्यादा अच्छे से वर्क कर लेता है तो वो आपसे आगे भी बढ़ सकता है। तो ये कंपनी ने आपको बहुत अच्छा चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है कि कोई भी कहीं से भी सिर्फ मेहनत करके काम करे, अपने काम को सीखे और ट्रेनिंग ले, ट्रेनिंग अटेंड करे। यहाँ पर फ्री ट्रेनिंग दी जाती है जो कि आपका प्रोडक्ट का और प्लान का दोनों ही ट्रेनिंग चलते रहता है, उससे जुड़ जाएं और खुद से भी नॉलेज लें, मगर सही जगह से नॉलेज लें, कंपनी के वेबसाइट पर जाके नॉलेज लें, अच्छे अपलाइन से नॉलेज लें, इधर उधर से नहीं, और इस कंपनी को अच्छे से समझ करके इस बिजनेस को करें, प्लान को और साथ में प्रोडक्ट को भी। हमारे पास कितने सारे प्रोडक्ट हैं, देखिए जब नेचुरल एश्योर का प्रोडक्ट है, इतना अच्छा अच्छा प्रोडक्ट इसमें है जो कि आपके स्किन के लिए, आपके हाइजीन के लिए, सब चीज़ के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए। देखिए जनरली उसके प्रोडक्ट हैं, चाय है, इनविगो ड्रिंक है, प्रोटीन ड्रिंक जो बच्चे बड़े सबके लिए अच्छा है, राइस ब्रांड ऑयल की तो कोई बात ही नहीं है। राइस ब्रांड ऑयल क्या है, आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ये कम लगता है और काफ़ी सस्ता प्रोडक्ट है। मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँ, राइस ब्रांड ऑयल का प्राइस अभी 450 है। अब जैसा कैलकुलेट कीजिए, अगर आप 450 में 2 लीटर मिल रहा है, आपको पहले ही जो ये था 10% का आपको कोई प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, तो 450 में से अगर आप 10% घटा देते हैं तो 45 रुपीज़ आप लेस कर दीजिए, तो आपका 405 रुपया पड़ा। और अगर आप कंसिस्टेंसी लेते हैं 4 महीने के बाद जो आपको फ्री प्रोडक्ट मिलता है 2500 का, तो आपका क्या होता है, करीब करीब वो 20% लेस हो जाता है। तो आपका प्राइस अगर 20% लेस करें तो 60-70 रुपया और कम हो गया, तो 320 के आसपास का दाम हुआ। प्लस आपको बोनस मिलेगा, वो आप इसमें 10% आप 5% जो भी आप जिस लेवल पे हैं वो कर दें, तो ये प्रोडक्ट आपको 300 के आसपास का पड़ जाता है जो कि पर लीटर 150 है। अभी मार्केट में आप जाके सर्च कर लीजिए, कोई भी ऑयल चाहे कितना भी सस्ती कंपनी का हो, कहीं का भी हो, 170-75-80 से कम कहीं नहीं है। सोचिए आप अपने समझदारी से अगर किसी भी प्रोडक्ट, मैंने एक प्रोडक्ट का कैलकुलेशन बताया, हर प्रोडक्ट के साथ वही है, आप MRP देख के मत सोचें, आपको कंपनी ने बहुत ही सारे ऑफर्स दे रखे हैं जिससे कि इतनी अच्छी प्रोडक्ट को आप कम दामों पे ले सकते हैं और उस ऑफर्स का लाभ लेके। और 50% दाम तो स्टार्टिंग से ही आप कर सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंसी ऑफर ले लेते हैं। इनरवा है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है, बच्चे से बड़े सभी इसको यूज़ करते हैं, स्नैक्स है, प्रोटीन है, चाय है, जेटा टी है जो गैस बनने नहीं देता है, एक से एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अलग से होती है, मैं भी लेती हूँ, आप उसको देखिए, सीखिए और समझिए, और किसी भी प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं, जब तक यूज़ नहीं करेंगे समझेंगे नहीं। हमारी कंपनी में इन सब के अलावा वाटर प्योरीफायर, एयर प्योरीफायर, पिचर छोटा सा जो कि काफ़ी अच्छा है वो भी है, जिससे कि आप सेल भी करके बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं और अपनी लाइफ को भी अच्छा कर सकते हैं। कि सारे प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। इसके अलावा आपको इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं एक से एक, अभी कोरोना के समय में सी बक्थ्रॉन, आंवला, कर्क्यूमिन प्लस, एक से एक प्रोडक्ट हैं जिनकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट
सेशन में दूंगी, जिसको कि आप अगर यूज़ करेंगे तो कोई भी वायरस आप तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर आपको टच भी करेगा तो वो वहीं से ख़त्म हो जाता है, रिकवरी जल्दी होती है। बहुत ही गर्व के साथ मैं कहना चाहूँगी कि इन सब सप्लीमेंट्स का जिन लोगों ने यूज़ किया है वो लोग इस महामारी के समय में भी सुरक्षित हैं। तो हम विश्वास के साथ आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे फूड सप्लीमेंट 100% अच्छी क्वालिटी का गारंटेड है, उनको यूज़ कीजिए और कंसिस्टेंसी ऑफर के साथ उनको बहुत ही कम दामों में आप ले सकते हैं। तो कैसा लगा आज का प्रोडक्ट, आज का प्लान, इस पर आप वर्क करिए। आपने हमें इतना समय दिया, इतने देर तक मुझे सुना, इसके लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। और अगर इसके बाद भी कोई क्वेरीज हो, कुछ आपको जानना हो, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर हमसे बात कर सकते हैं। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स, थैंक यू सर। आवाज़ आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। संजय सर, संजय सर आपको मैंने अनम्यूट किया। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग मीटिंग सुन रहे हैं वो भी अपना हैंड रेज करें और जिनको प्लान अच्छा लगा वो भी अपना हैंड रेज करें। दीपक सर को मैं अनम्यूट कर रही हूं। अल्टीमेट प्लान था मैम आपका वास्तव में। अभी मेरे पास ना हमारे जो डीएलसीपी वाले हैं वो आए हुए थे सामान देने के लिए। अच्छा। और उन्होंने बैठ के मीटिंग सुनी तो वो कह रहे कि सर कौन मैडम मीटिंग दे रही है। मैंने उनको बताया पूरा तो कह रहे नहीं सर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इनको भी ज्वाइन किया इतना कम टाइम हुआ है। मैं तो सोच रहा था कोई बहुत सीनियर लीडर है जो इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दे रही है। मैंने कहा वो भी बल्कि मैंने उनको ये तक कहा कि मगर अभी आने वाले कुछ टाइम में आप देखना इनका नाम हिंदुस्तान के टॉप के बड़े अचीवर्स में होगा। रियली मैम आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अद्भुत था, वंडरफुल। और मतलब नब्बी तुली बातों में आपने इतनी बढ़िया बात रखी अपनी। बाकी चार लोगों के अलावा मुझे लग रहा है या तो लोग सुन नहीं पा रहे थे या पसंद नहीं मीटिंग आई, चार के अलावा बाकी हैंड रेज नहीं हो रहे। दीपक सर को मैं अनम्यूट कर रही हूं। दीपक सर कुछ कहना चाहते हैं? वंडरफुल मैम, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी थी और प्रेजेंटेशन आपने बहुत अच्छी बनाई और आपने खुद स्लाइड बनाई, ये भी अपने आप में काबिल तारीफ बात है कि आपने खुद अपनी स्लाइड्स बनाई और खुद अपनी चीजों को रखा, वंडरफुल। आप जैसे लीडर हमारी टीम के बीच में वास्तव में ये बड़ी बात है हमारे लिए। बाकी लोग अनम्यूट नहीं, दीपक सर मैंने आपको अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच मैम। आज मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये प्रेजेंटेशन सुनकर और बहुत कॉन्फिडेंस बहुत हाई था आपका। रियल में मैंने बहुत कुछ सीखा मैम और मुझे बहुत प्राउड हो रहा है कि आज हमारी टीम का हिस्सा है और आपने इतने अच्छे से अपनी बातें रखी और बहुत ही सरल शब्द में लोगों को समझ में आया। थैंक यू सो मच मैम, आई प्राउड ऑफ यू। सोम सिंह सर को मैं अनम्यूट करती हूं। आगे भी मैडम हम आपकी सेवाएं लेंगे, आपसे ट्रेनिंग लिया करेंगे हम सब लोग। थैंक यू सर, जरूर जब कहेंगे मैं हाजिर रहूंगी। गुड मॉर्निंग मैम। सोम सिंह सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वास्तव में काबिले तारीफ प्रेजेंटेशन है मैम आपका। जो है लग नहीं रहा था कि आप पहली बार जो प्लान है वो प्रेजेंट कर रही हैं, ऐसा लग रहा था आप काफी सीनियर लेवल पे हैं। वास्तव में मतलब रियली शब्द नहीं है आपके इसके प्रेजेंटेशन के लिए, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं सभी लोगों से जो ऑलरेडी ज्वाइंट लोग सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपना प्लान प्रेजेंटेशन इस तरह से तैयार करें और अपना प्लान देना शुरू करें। सो थैंक यू मैडम, आगे फिर सेवा ली जाएगी आपकी। और रजनी, रजनी मैम को अनम्यूट कर रही हूं। रजनी मैम आप कह सकती हैं कुछ भी, कुछ पूछना हो तो।
रजनी मैम आपने हैंड रेज किया। यस गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा था आपका, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे आप बहुत पुरानी लीडर हैं। आज की मीटिंग में वास्तव में मजा आ गया। चलिए आप लोगों को अच्छा लगा। हाँ जी मैम, मेरी आवाज आ रही है? यस। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, आप लोगों ने इतने देर तक ध्यान से सुना, इसके लिए आपका भी थैंक्स। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी अच्छी आज मीटिंग की है कि ऐसा लग रहा था कि चीज आपने बताई है, हर चीज समझ में आई। दिनेश सर आपको मैं अनम्यूट करने का पावर दे रही हूँ, कुछ कह सकते हैं तो कहिए, कुछ कहिए। नवीन सर, दिनेश सर शायद है नहीं, लगता है नहीं। हेलो। हाँ नवीन सर कहिए। आ रही है मेरी आवाज? आ रही है। यस सर। पहले तो मेरी शुभकामनाएं मैडम आपको, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आपने दी और जिस तरह से मतलब आपने सेटअप बनाया था ये तो मेरे लिए भी नया है। ऑल्दो मैं टेक्निकल बैकग्राउंड में हूँ, मैं बाय क्वालिफिकेशन इंजीनियर हूँ, लेकिन कभी इतना आगे बढ़ के यहाँ तक हम लोगों ने ट्राई नहीं किया। बहुत रॉ तरीके से हम लोग प्रेजेंटेशन देते थे। मैं भी चाहूंगा ये किस तरह से आपने किया है इसको आपसे सीखूंगा जरूर। और बहुत ही नपे तुले शब्दों में जो आपने चीज का प्लान समझाया है तो उसके लिए एक बार फिर से आपका थैंक यू। मैं समझता हूँ जितने भी लोग आज इसको सुन रहे हैं उनके पास एक क्लियर कट मैसेज पहुंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आप इसी तरह से ग्रो करते रहें, शुभकामनाएं मेरी। थैंक यू। बाकी लोग जितने भी लोग सुन रहे हैं ना मीटिंग में और जितने भी लोग जिनको भी 4-6 महीने से ज्यादा हो चुका है, आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए प्लान की। गलत सही कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग ट्रेनर ट्रेनर प्रोग्राम भी करते हैं, आप लोग भी आपस में बैठ बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जूम पे एक दूसरे को लेकर कर सकते हैं। बाकी हम भी देखते हैं स्लॉट निकाल लें कोई एक आध, उसमें आप लोगों को प्रैक्टिस कराई जाएगी। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से सब चीज हो जाती है और धीरे धीरे करके कोई भी आदमी पहली बार में अच्छा प्लान नहीं देता है, गलतियां होंगी, फिर और करेक्शन होंगे, फिर और करेक्शन होंगे, धीरे धीरे हम लोग परफेक्शन की तरफ चले जाएंगे। तो किसी को अपनी बात अगर रखनी हो तो सबके एक बार हैंड डाउन कर दीजिए, अगर किसी को कुछ कहना हो तो अपना हैंड रेज कर ले, किसी को कहना हो तो कुछ पूछ सकते हैं, एक बार हैंड डाउन कर दीजिए सभी के। मैम एक बार सबके हैंड डाउन कर दीजिए आप ना, बाकी किसी को हाँ, अब अगर किसी को कोई अपनी बात कहनी है कुछ रखना है कीजिए, अदरवाइज हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। फिर सोम सिंह सर ने दोबारा से एंट्रेंस किया, प्लीज इनको म्यूट करें। मैडम ये जो प्लान की स्लाइड्स आपने तैयार की हैं तो इनको शेयर कर देना ताकि और लोग भी प्रैक्टिस कर सके, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सर, कर दूंगी। जी जी ओके मैम, थैंक यू। रेनू सिंह मैडम ने कुछ एंट्रेंस किया। हेलो मैम। जी मैम गुड मॉर्निंग। मैम गुड मॉर्निंग। मैम बहुत अच्छी मीटिंग थी, आप लग ही नहीं रहा था, सर ने बताया था पहले ही कि आप एकदम न्यू हैं हमारे अचीवर ग्रुप से। हम लोग तो इतने दिन से ट्राई कर रहे हैं फिर भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को ना, और हम लोग तो शेयरिंग से भी मैम थोड़ा सा ही चखते हैं, और आपका आज देख के थोड़ा मनोबल तो जरूर बढ़ा है कि हम लोग भी कर सकते हैं कुछ, चाहे राइटिंग करके कैसे भी। आपका जैसे था कि कैसे सबको मोटिवेट करना है, कैसे लोग ज्वाइनिंग कराना है, प्रोडक्ट के बारे में जैसे भी आपने नॉलेज दिया बहुत अच्छा रहा मैम सबका। थैंक यू सो मच मैम। आप लोगों को अच्छा लगा? थैंक्स जी मैम। रेणु रेणु मैम आप जो है ना, आप कह रहे हैं हम लोग ट्राई करते हैं, आप ट्राई नहीं करते, सही बात तो ये आप लोग ट्राई ही नहीं करते, जब ट्राई करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं सर मैम का सुन के आपको इसीलिए हैंड रेस भी किया सर कि आज तो कुछ ना कुछ ट्राई करूंगी मैं, बोलूंगी जरूर। आप कुछ ट्राई करना ही है और क्या है, आप सुबह की मीटिंग में शेयरिंग किया कीजिए, जहां भी मौका मिले ना वहां आपकी बात रखो जरूर, चाहे नाम ही बोलना आप कि मेरा नाम ये है बस। जी सर ओके सर। दिनेश सर आपका नेटवर्क आया?
दिनेश मनियाल जी उधर शायद टेरी में बाढ़ बाढ़ आ रखी है, मुझे लग रहा है उनके टावर के आसपास वो मैसेज किए हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम, सॉरी मैम थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम, बाढ़ में ना दिक्कत हो रही है, थोड़ा पानी वानी बाढ़ बाढ़ आ रही है तो। चलिए मैम थैंक यू, चलिए तो आज का एंड करते हैं।